जाप बात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सभी। संतों की कोई जाप नहीं है और जाति का बंधन संतों के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। जाति का बंधन में आप किसी संत को बांध नहीं सकते। फिर अगर जाति के बंधन वो संत बंध ही गया तो संत कैसे? आप किस संत को याद कर रहे हैं? वो तो 15वीं 16वीं शताब्दी के संत। अभी 19वीं शताब्दी में हम आते हैं, बंगाल में बहुत बड़े संत हुए, विश्व प्रसिद्ध संत हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। भगवान रामकृष्ण परमहंस के बिहारी शिष्य थे। ऐसे तो जिस जमाने में रामकृष्ण थे उस जमाने में बिहार और बंगाल अलग नहीं होगा, बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था। पर बिहार से, बिहार के छपरा से उनके एक सन्यासी शिष्य हुए हैं। 16 सन्यासी शिष्यों में एक बहुत ही प्रमुखता से नाम लिया जाता है स्वामी अद्भुतानंद। स्वामी अद्भुतानंद जी एक गडेरिया के वंश में पैदा हुए, कलकत्ता में नौकरी करने गए थे, गरीब घर में पैदा हुए थे और सर्वप्रथम उन्हीं का आगमन होता है रामकृष्ण के पास और उन्होंने उनको 7 वर्ष की वर्षा से अपने साथ रखा था। समझिए कि बालक की पाला था। तो कहाँ गुरु ब्राह्मण और शिष्य यहाँ गडेरिया का उन्होंने उस बच्चे में संत का लक्षण देखा और माँ शारदा जिस रसोई में भोजन पकाती थी उसमें किसी भी शिष्य का प्रवेश बाधित था, परंतु यह गडेरिया का पुत्र वहां जाकर रोटी बेलता था माँ के लिए। तो संत इसको कहते हैं संत श्रोमणी। इनके गुरु रामानंद स्वामी, जात की बात करें तो ब्राह्मण और शिष्य कौन देखिए, राजघराने की महिला मीराबाई। मीराबाई जो कृष्ण की मूर्ति में द्वारकाधीश की मूर्ति में शरीर समाहित हो गई वो उनकी शिष्य थी। तो पता नहीं संतों की जयंती पर जात पात की बात क्यों शुरू हो जाती है, ये अच्छा नहीं लगता। संत राजनीति के विषय नहीं होते और जात पात से उठकर के बात करनी चाहिए। ठीक है, जन्म किसी का कहीं भी हो सकता है, उस पर अपना कोई हक नहीं। तो ब्राह्मण के घर पैदा होता है, मजदूर के घर पैदा होता है, लेकिन अपने कर्म के बल पर हम खड़े होते हैं समाज में और अपने ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करते हैं। ब्राह्मण का पुत्र भी चांडाल हो सकता है और एक शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। यही व्यवस्था थी, पर बाद में राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों ने हमें विखंडित कर दिया और हम आज तक जात पात के बंधन से निकल नहीं पाए। एक छोटी सी कविता संत श्रोमणि के चरणों में अर्पित है। भक्त प्रवर रविदास, भक्त प्रवर रविदास। आज सुबह सुबह ही इसकी रचना हुई है, बहुत जल्दबाजी में कुछ लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन बुढ़ी में तो क्षमा करेंगे। भारत के निर्गुण संतों में, भारत के निर्गुण संतों में साधु गुण खास, भारत के निर्गुण संतों में साधु गुण खास, शब्द सुमन तुझको भक्त प्रवर रविदास, शब्द सुमन तुमको भक्त प्रवर रविदास। भारत के निर्गुण संतों में थे साधु तुम खास, शब्द सुमन तुमको भक्त प्रवर रविदास, शब्द सुमन अर्पित तुझको भक्त प्रवर रविदास। धन्य हुई धरती माता पा तुझसा, धन्य हुई धरती माता पा करके तुझसा लाल, धन्य हुई धरती माता पा करके तुझसा लाल। इतने ही दिखलाए तूने अद्भुत अजब कमाल, इतने ही दिखलाए
से